जल भराव से अन्नदाताओं की हजारों बीघा फसल को नुकसान, गांव के दबंगों पर नाला बंद कर जल निकासी रोकने का आरोप। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के तहसील करेल क्षेत्र के एक गांव में अन्नदाताओं की हजारों बीघा धान की फसल जल भराव होने से बर्बाद होने की कगार पर है, जिससे किसानों ने शासन प्रशासन से खेतों में खड़ी फसल को बचाने के लिए पानी निकासी कराने की मांग की है। जहां फसल बर्बाद होने से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान होने के अनुमान के साथ साथ गेहूं की फसल बोन का भी संकट खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अन्नदाताओं ने शासन प्रशासन से दबंगों से नाला खुलवाकर कार्रवाई की मांग की है। खेतों में जल भराव का मामला तहसील करेल क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोहब्बतपुर गांव से जुड़ा है। दादा क्या नाम है आपका? सियाराम। किस गांव के निवासी हैं? मोहब्बतपुर। क्या समस्या है आप लोगों की खेती को लेकर? समस्या क्या है साहब, धान सब सड़े रहो और न गेहूं बए जी, और 3-4 साल हो गई ऐसी खेती पट पड़ी। यहाँ निरे अधिकारी आए जो पुलिया बांध खुलवाए गए और जो चले गए सोई जे लोग बंद करते। इसको लेकर अधिकारियों से भी आपने बात की? करी। क्या बोले अधिकारी? अधिकारी लोगों ने खुलवाए दो तो फिर दोबारा इन्हें बंद कर दो। आपका बलवीर सिंह। बलवीर सिंह, क्या समस्या है लेकर यहाँ पर गांव में? ये गांव में ये समस्या है सर, ये कम से कम 2000 बीघा जमीन जो है जल के कारण जो है जलमग्न में जो है बर्बाद हो रही है, सड़ रही है, पानी बहुत है और ये पानी नहीं निकलने दे। पृथ्वीपुर के जो है शिवपाल सिंह सनोप श्रीराव ये बंदा लगाए हुए, जो हमारा पुराना नाला है उसको बंद किए हुए हैं। ये हैं कौन? शिवपाल सिंह। ये शिवपाल सिंह इसी गांव के हैं, पृथ्वीपुर के। नहीं, इसकी समस्या को लेकर आपने कभी अधिकारियों से शिकायत की? जी है। पहले साहब शिकायत की है 2013 में की थी और नाला खुदा हुआ पड़ा था, इन्होंने बंदा लगा दिया, बीच में बंद हो गया है जी। इसलिए कितने बीघा लगभग फसल है? कम से कम 2-2.5 हजार बीघा फसल होगी। यहाँ के किसानों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि उनके गांव नंगला कदम, नंगला बाबा, बहादुरपुर, पृथ्वीपुर, मोहब्बतपुर गांव की लगभग 2000 बीघा में खड़ी धान की फसल में जल भराव की स्थिति है। किसान धान की फसल नहीं काट पा रहे हैं, जल भराव के कारण धान की फसल नष्ट होने की कगार पर पहुंचती जा रही है, जिसका कारण किसानों ने गाँव के कुछ दबंगों पर लगाया है। किसानों का आरोप है कि जल निकासी के लिए एक नाला बनाया गया था जो अब गांव के कुछ दबंगों ने बंद कर दिया है, जिस कारण से उनकी हजारों बीघा फसल में जल भराव है। किसानों का आरोप है कई बार इस नाले को खुलवाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन आज तक उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। इस गाँव के निवासी पृथ्वीपुर। क्या समस्या है किसानों को लेकर? ये लगभग 200 एकड़ जमीन जलग्रस्त रहती है और अभी करीब 13-14 में नाला की सफाई करवाई थी और फिर उसके बाद कुछ दबंग लोगों ने नाला बंद कर लिया, अधिकारियों को सूचना दी और उसके बाद में इसकी सफाई नहीं हो रही है। नाला की सफाई हो जाए तो ये पानी निकल जाए, जमीन बही नहीं जाएगी, ऐसे प्रती खेत पड़े रहेंगे। लग रहा है अभी इस टाइम फसल खड़ी हुई है, लाखों की फसल है, लाखों की फसल है, और अगर जलमग्न रही तो सारी फसल सड़ जाएगी। बिल्कुल सड़ जाएगी। ब्रजपाल सिंह। किस गांव के प्रधान है आप? ग्राम पंचायत मोहब्बतपुर का प्रधान। किसानों को समस्या आ रही है कि उनके खेतों में पानी भरा है, क्या है ये पूरा मामला? ये पूरा मामला ये है कि 2000 बीघा जमीन किसानों की 2003 में नाला की सफाई हो गई थी, ठीक है, उसके बाद ये सुषपाल सिंह पुत्र श्रीराम और भजनलाल पुत्र बुधु इन लोगों ने नाला केवल बंद कर लिया। पूरा नाला 1 किलोमीटर साफ है हमारा, केवल एक जगह बंद है, और एक जगह बंद होने के कारण पूरा जल भराव है और फसल पकी खड़ी हुई है टोटल। यदि ये जल भराव नहीं निकाला गया तो ये नष्ट हो जाएगी फसल इसी में, और गेहूं की बुआई भी रबी की फसल नहीं बप सकती इसमें। हमने एसडीएम साहब को भी दिया, एसडीएम साहब ने नाला की सफाई भी करवा दी, लेकिन सुषपाल सिंह पुत्र बुधु इसको नहीं खोलने दे रहा है। किसी उच्च अधिकारी के पास गए? अरे 2013 में ये नाला की सफाई हो गई थी, अंकित नहीं हुआ था, केवल सफाई हो गई थी ग्राम अवेलिया नाला तक, लेकिन बाद में एक व्यक्ति ने तोड़ लिया है, नाला बंद कर दिया है। इसको लेकर आप अधिकारियों के पास जाते हैं, क्या आश्वासन मिलता है? अधिकारियों के पास अभी भी है, 8 दिन पहले एप्लीकेशन लगाई गई है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं हो रही है।